बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो दो अंडे रहते थे उनमें से बच्चे अभी तक भी नहीं निकले। अभी सुबह के जो हैं वो तकरीबन नौ का टाइम है, अभी 9 बजे हैं। तो ये दो चिक्स अभी अंदर जो है इंक्यूबेटर में हैं, और बाकी जो हैं वो मैंने अभी निकाले हैं। तो रात मैंने इनको दोबारा इंक्यूबेटर में ही रख दिया था, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था बारिश की वजह से। तो टेम्परेचर का मसला होता है, अदरवाइज़ इनको कोई मसला नहीं होता। टेम्परेचर जो है 35 से ऊपर टेम्परेचर पे जो है ये सर्वाइव करते हैं, उससे नीचे हो तो फिर इनको मसला हो सकता है। तो इसलिए जो है इनको मैंने दोबारा जो है वो इस इंक्यूबेटर में रख दिए थे, ताकि इनका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। अभी जो दो अंडे बाकी हैं उनमें से बच्चे जो है वो नहीं निकले। एक अंडा ये है, क्योंकि इनको जो है अभी टाइम इनका पूरा नहीं हुआ, बच्चे तो अंदर जो है ज़िंदा हैं। ये देखिए आप, अभी जब इनका जो है दिन पूरे हो जाएंगे तो ये जो है हैच हो जाएंगे। एक अंडा ये है, अब इनके जो है दिन पूरे नहीं हुए हैं। तो इन दोनों को भी निकाल लेता हूँ। अब इनको जो है वो फीड डालनी है मैंने। रात जो है मैंने इनको मीठा पानी दिया था, और उसके बाद मैं जो है दोबारा इंक्यूबेटर में रख दिए थे, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन था बारिश की वजह से। वैसे तो गर्मी है, अभी टेम्परेचर जो है वो 35 से ऊपर ही रहता है। अभी भी टेम्परेचर जो है वो 35 है। तो इनको जो है मैं फीड डालने लगा हूँ। ये फीड है गोल्डन मिस्ट्री चूज़े की, जो स्टार्टर फीड है दोस्तों। इसको जो है मैंने बारीक किया होगा, तो ये डालूंगा इनको। टेम्परेचर जो है 35 से ऊपर और 40 के नीचे हो तो ये सर्वाइव करते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर टेम्परेचर जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो अगर सर्दी में जो चिक्स होते हैं निकलते हैं, तो इनको जो है वो ब्रूडर में रखना पड़ता। लेकिन अभी जो है गर्मी है, ये सर्वाइव कर लेंगे। रात को जो है मैं जो पहले चिक्स निकले थे उनको जो है जब बाहर रखता था, अच्छे से कवर करके रूम में जो रखता था, कपड़ा वगैरह उनके पिंजरे में डालता था, उनके पार वगैरह जो है माशाल्लाह से आ गए हैं। इनके जो पार हैं वो जब आ जाएंगे तो ये टेम्परेचर अपना खुद जो है कंट्रोल कर लेंगे। तो वो चिक्स जो है उनके काफ़ी ज़्यादा पार आ गए हैं, वो अभी बाहर ही रहते हैं। रात को जो है जैसे कि मैंने बताया, अच्छे से कवर करके उनको रखता हूँ। तो अभी जो है इनको मैंने बाहर निकाला है, फीड जो डाली है। टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं, तो इनको कोई मसला नहीं है। टेम्परेचर मैंने जैसे कि बताया 35 से 40 के दरमियान अगर हो तो ये सर्वाइव करते हैं। इससे नीचे टेम्परेचर होगा तो ये फीड खाना जो है वो छोड़ देंगे और एक साइड पे जो है होकर बैठ जाएंगे। तो इनको जो है और इनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है टेम्परेचर कम होने की, जैसे मोर्टैलिटी जो है बढ़ जाती है अगर आपसे टेम्परेचर जो है मेंटेन ना हो रहा हो। तो ये 6 चिक्स हैं, ये देसी जंगली तीतर के चिक्स हैं, और दो अंडे जो अभी बाकी हैं वो अभी जो है नहीं निकले। जब वो निकलेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा जी दोस्तों। बाकी दो चिक्स भी जो हैं वो निकले हैं, और एक चिक्स की जो है वो टांग ख़राब है, इसका जो पंजा है वो सही नहीं है। ये देखिए इसका पंजा जो मुड़ा हुआ है, और ये अंडे से मैंने खुद निकाला है बच्चा हाथ की मदद से। आपके साथ जो मैंने वीडियो भी शेयर की थी, इसके दिन जो है पूरे हो गए थे, तो ये अंडे से जो है नहीं निकला था, तो इसको हाथ की मदद से खुद जो है वो निकाला था मैंने अंडे से। और बाकी माशाल्लाह 7 बच्चे जो है वो हेल्दी और एक्टिव हैं, और इनको जो है फीड डाली।